आज के इस ध्यान सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत अच्छा हमने ध्यान किया है और जैसा कि हम जानते हैं कि ध्यान के साथ साथ हम एक पत्री जी का एक कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं ताकि उसके साथ साथ हमें मूलभूत आध्यात्मिक जो विज्ञान है उसकी मूलभूत जानकारी भी हो और हम अपने आप को रूपांतरित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। तो इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है लॉज ऑफ सर्विस, कि सेवा का नियम क्या है, कैसे सेवा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए हमें सेवा, और जिस तरह से हम सेवा कर रहे हैं क्या हम जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है क्या हम उसी तरह से कर रहे हैं, कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे, कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही है। तो आज उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे और इसमें एक चीज मैं सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कहना चाहूंगी कि थोड़ा अपने मन को खुला रखें, क्योंकि हो सकता है जो हमने आज तक जाना है उससे ये भिन्न हो, ये विषय भिन्न हो, लेकिन अगर हम ओपन माइंड रखेंगे, अपने आप को खुला रखेंगे तो हमें चीजों को समझने में मदद मिलेगी। जो मैंने पहले अभी तक जाना है जीवन में बस वही ठीक है और सही नहीं है, तो फिर हम कुछ नया सीख नहीं सकते। तो बाद में जो भी आपके प्रश्न उत्तर होंगे वो भी हम जरूर लेंगे, लेकिन इस विषय की जानकारी के लिए आपको अपने आप को, अपने मन को खुला रखना है, तभी हम इसको गहराई से समझ पाएंगे। आप जैसे हम ये जो विषय ले रहे हैं अभी, आपने मील, मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस और लाइफ जस्ट, आपने इसके बारे में जाना। नवनीत कौर जी ने आपको जागरूकता के बारे में बताया, साहिल कंडोई जी ने आपको बताया कि पैशनेट गिविंग और पैशनेट रिसीविंग क्या है और कैसे हम हर पल आनंदित रह सकते हैं। ध्यान हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और आत्मज्ञान क्या है, ध्यान से कैसे हम आत्मज्ञान पा सकते हैं, ये नीता भोजवानी मैडम जी ने बताया। तो आज का जो विषय है कि सेवा, क्योंकि सेवा जो है ये आध्यात्मिकता का फल है, आध्यात्मिकता का जो पेड़ है उसका ये फल है सेवा। तो जब हम पेड़ को सींच रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हम पेड़ की देखरेख कर रहे हैं, तो फल जो है उसको प्राप्त करना हमारा अधिकार है, हमें वो फल अवश्य मिलता है। तो सेवा के कुछ नियम है, सेवा का क्या नियम है कि पैशनेट गिविंग एंड पैशनेट रिसीविंग, जुनून से देना और जुनून से लेना। जब भी हम गिविंग एंड रिसीविंग की बात करते हैं तो गिविंग पहले आता है, गिविंग मतलब देना, पहले देना आता है बाद में लेना आता है, और यही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब हम जुनून से बिना किसी अपेक्षा के जब हम देते हैं और लेते हैं तो ये सच्ची आध्यात्मिकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम आध्यात्मिक सेवा भी कर रहे हैं, हर तरह से लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई कुछ देता है तो उनका अहंकार आड़े आ जाता है और वो उस तरह जुनून से स्वीकार नहीं करते हैं। देना तो उन्हें आता है लेकिन लेना स्वीकार नहीं करते। तो हमें आध्यात्मिकता में जो पत्री जी ने सिखाया है कि लेना और देना दोनों हमें जुनून से स्वीकार करने हैं, प्रेम से स्वीकार करने हैं। हम किसी को दे रहे हैं, हम प्रेम से दें, हमें कोई दे रहा है तो हम प्रेम से, जुनून से, कृतज्ञता भाव से लें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है कि हमारा गिविंग एंड रिसीविंग में बैलेंस हो, लेने और देने में बैलेंस हो।
जैसे हम सांस एक ले रहे हैं और एक सांस हम साथ साथ छोड़ रहे हैं, प्रकृति में संतुलन बना हुआ है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये एक प्रकृति में संतुलन बना हुआ है। प्रकृति हमेशा देना जानती है, लेकिन मनुष्य की मनोस्थिति बदल गई है। मनुष्य अपनी मानसिक वृत्तियों के प्रभाव में आकर केवल लेना 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 ही सीख रहा है और वही कर रहा है। आज अगर हम देखें तो आध्यात्मिकता का जो नियम है वो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जो भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है, और वो जो प्रतिक्रिया है वो ब्रह्मांड से कई गुना हमें वापस मिलती है। अगर मैं किसी को, जैसे अगर नदी में मैं एक पत्थर फेंकती हूँ तो उसका रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, तो वो जो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है वो पत्थर मारने का रिएक्शन है। इसी तरह से सर्विस का नियम ये कहता है कि जो भी आप करते हो उसका ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं इफेक्ट क्रिएट होता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो हमें इस नियम को हमेशा याद रखना है कि जो भी हम कर रहे हैं कार्य, उसका प्रतिक्रिया अवश्य होनी है, वो बराबर और विपरीत विरोधी प्रतिक्रिया होती है। तो हमने इस नियम को अवश्य याद रखना है। और आज अगर हम देखें तो इतना साइंस ने तरक्की की है, इतना हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हम देखें, हम अपना मेडिकल साइंस देखें और दूसरी साइंसेस देखें, जो भी अल्टरनेट थेरेपीज की साइंसेस हैं, इतनी तरक्की होने के बाद क्या हम खुश हैं? क्या हम स्वस्थ हैं? हम शायद पहले की जो हमारी जनरेशन हैं उनसे ज्यादा परेशान हैं, ज्यादा तनाव में हैं, ज्यादा दुखी हैं। इसका कारण क्या है? इतनी सुविधाएं, सुख सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध नहीं थी। जैसे हम अगर अपनी पिछली दो जनरेशन देखें, उन लोगों को इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जितनी आज हमें है, लेकिन हम उनसे ज्यादा तनाव में हैं। वो हमसे ज्यादा संतुष्ट थे, हमसे ज्यादा सुखी थे, हमसे ज्यादा वो प्राकृतिक रूप से सरल जीवन जीते थे, लेकिन हमने जो ये विज्ञान की तरक्की के साथ हमने जो भागना शुरू किया है, हमने खुद को उस जटिलता में जकड़ लिया है। हम सहज और सरल जीवन जीना भूल गए हैं, और फिर वापस हमें सबूत चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हमें उसका वैज्ञानिक सबूत चाहिए। हम विज्ञान से इतना जुड़ गए हैं कि हम बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, बिना विज्ञान के हम कोई चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आज थैंक्स टू द साइंस, विज्ञान आज हमें वही हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, आज उसी को सिद्ध करके वापस हमें लौटा रहा है कि वो ज्ञान बिल्कुल वास्तविक और सत्य था और युगों युगों तक सत्य ही रहेगा। तो जो रिसर्च हुआ है इस अध्यात्म के क्षेत्र में, जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है, व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक। आप जो भी दोगे वो ब्रह्मांड आपको कई गुना वापस लौटाएगा। ये प्रचुरता का सिद्धांत है, ये फॉर्मूला फॉर एबंडेंस है, कि अगर आप जीवन में धन धान्य सुख संपत्ति शांति चाहते हो तो आप वही दूसरों को देना शुरू करो, क्योंकि आप जो दोगे वही कई गुना बढ़ाकर ब्रह्मांड आपको वापस करेगा। तो यूएसए में, अमेरिका में रिसर्च किया गया कि जो बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, बहुत धनी व्यक्ति थे, जो बहुत सफल हुए हैं अपने जीवन में, उनके अंदर ऐसे क्या गुण थे जो वो इतना सफल हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला गुण जो उभर कर सामने आया, दे गिव बैक टू सोसाइटी। वो जो कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंट वापस सोसाइटी के लोक कल्याण के कार्य में खर्च करते हैं, अपने जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनके कल्याण के लिए खर्च करते हैं, और वो खुले दिल से खर्च करते हैं। जो उन्हें मिला है उसका कई गुना, उससे कुछ अपने आमदन से, अपनी आय से कुछ जो धन है उसे वापस लौटाते हैं। तो सबसे बड़ा जो चीज सामने आई वो ये सामने आई। और दूसरा, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, लॉजिकल माइंड से नहीं चलते ज्यादा, वो अपनी इंट्यूशन से चलते हैं, उनकी अंतःप्रज्ञा उन्हें जो बताती है वो कर जाते हैं। और आज अगर हम देखें तो आज तो गवर्नमेंट ने भी, ये सरकार ने नियम बनाया है कि
ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ ना कुछ सोसाइटी को वापस दे। और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, जैसे आप देखते हो, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें अपना योगदान देते हैं। सरकार के जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो उनमें अपना योगदान देते हैं। तो ये एबंडेंस का फार्मूला है कि आप जो दे रहे हो वो कई गुना वापस आएगा, और इसलिए देने के समय जागरूकता से, बुद्धिमानी से, अंतःप्रज्ञा से, स्वयं से आत्मा की आवाज सुनकर तब आप दो कि आपको क्या देना है, कहाँ देना है, क्योंकि जो दे रहे हो वो वापस आएगा। तो अंडरलाइन प्रिंसिपल ये सिद्धांत है कि अगर आप दुख दे रहे हो सुख वापस आएगा, सुख दे रहे हो सुख वापस आएगा। तो आपको ये नियम याद रखना है कि मुझे क्या देना है। और अगर हम देते नहीं है, हम सब कुछ खुद ही अपने पास जमा रख लेते हैं, लेते ही रहते हैं, देते नहीं है, तो हमारा जो जीवन है वो दुखों से, कठिनाइयों से भर जाता है। और फिर हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, फिर मुझे दुख क्यों हो रहे हैं। दुख इसलिए हो रहे हैं कि प्रकृति हमें बार बार नोटिफिकेशन देती है कि हम गलत जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं। हम जाग जाएं, हमारे अंदर डर पैदा होता है। जैसे एक व्यक्ति है, हम घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं और उसका बिल देते हैं, हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसका बिल देते हैं, हम जो भी सुख सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं सरकार हमसे टैक्स लेती है, और अगर हम नहीं देते हैं, अगर हम उसकी चोरी करते हैं, तो हमारे अंदर डर रहता है, हम डरते रहते हैं हर समय। तो ये जो फियर है, ये डर है, ये एक नोटिफिकेशन है कि हम कहीं गलत जा रहे हैं। अगर हम, हमारे अंदर डर बहुत ज्यादा है, हम हर चीज से डर रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं। ये डर एक नोटिफिकेशन है। दूसरा नोटिफिकेशन है इलनेस। जब हम डर के नोटिफिकेशन को क्रॉस कर लेते हैं, हम नहीं समझते हैं, नहीं जागते हैं, जो ये अलार्म प्रकृति हमें देती है, हम नहीं जागते, तो बीमारी के रूप में नोटिफिकेशन आता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं, और फिर हम स्वस्थ होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये दूसरा नोटिफिकेशन प्रकृति भेजती है बीमारी के रूप में। तीसरा है लॉस के रूप में, कि कोई ना कोई हमारा किसी तरह का नुकसान हो जाता है, धन के रूप में हो जाता है, किसी ना किसी तरह से हमारा नुकसान हो जाता है, ये भी एक नोटिफिकेशन है। डेथ, किसी अपने का चले जाना, ये भी प्रकृति का नोटिफिकेशन है कि हम कहीं गलत जा रहे हैं। अगर हम इन नोटिफिकेशंस को नहीं समझते तो हमारा जो जीवन है वो कठिनाइयों से भर जाता है। और आज हम जो देख रहे हैं अपने आसपास, यही देख रहे हैं कि मनुष्य ने, मानव जाति ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है, और आज हम इतने डर में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं, लॉस में जी रहे हैं, कोई ना कोई अपना हमें छोड़कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के नियम का पालन नहीं किया। ये हमें कोई प्रकृति दुख नहीं दे रही है, ईश्वर किसी को दुख नहीं देना चाहता है। हम, अगर हमारा बच्चा है तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे उसके जीवन में दुख आए, इसी तरह से ईश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम दुखी हो। लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रकृति के विपरीत गए हैं, हम सर्विस, जो लॉज है, इस धरती पर हम आए हैं, हम कुछ नियमों से बंधे हुए हैं। जब हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें ये सब चीजें हमारे जीवन में आती हैं। तो डर है, अगर हम हर चीज से डर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम प्रकृति की चोरी कर रहे हैं। जो प्रकृति को लौटाना चाहिए वापस, हम नहीं लौटा रहे हैं, और वो जो डर है वो हमारे अंदर घर कर गया है, और वही डर बीमारी नुकसान के रूप में हमारे सामने आता है। अगर हम प्रकृतिक नियम को समझकर उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं, अपने आप का रूपांतरण करते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो सहज और सरल हो जाता है, हम सुखी जीवन जीना शुरू करते हैं। और प्रकृति इतनी अद्भुत और सुंदर है कि जब आप जाग गए, जब आप में जागरूकता आ गई, वहीं से आपका जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि इसको जो लॉ है, सर्विस का नियम क्या है, हमें कैसे वापस लौटाना है प्रकृति को, और कितना वापस लौटाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा।
हमें लगता है हम जो सेवा कर रहे हैं, हम जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो ये हम बहुत ज्यादा बहुत बड़ी महान कार्य कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने आप को खोलें मन को और देखें हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो ये टिथिंग मतलब दान देना, दशांश देना, ये हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस धरती पर आकर अपनी जो आय कमाता है, चाहे वो नौकरी करता है या बिजनेस करता है, और उससे उसका अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा प्रकृति को वापस लौटाना चाहिए, जिसे हर धर्म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी, हिंदुइज्म में भी और सिखिज्म में भी। जकात कहा गया है इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में इसे टिथिंग कहा गया है, हिंदुइज्म में इसे दशांश कहा गया है और सिखिज्म इसे दसवंध कहा गया है, कि ये 10वां हिस्सा हमें प्रकृति को वापस लौटाना ही है। अगर हम ये 10वां हिस्सा वापस नहीं लौटा रहे हैं तो हम चोरी कर रहे हैं, और क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं प्रकृति की, तो हमें अंदर हमारे डर आना स्वाभाविक है। अगर हम उस डर से बाहर आना चाहते हैं तो हमें वो हिस्सा प्रकृति का उसे वापस लौटाना है। ये अबंडेंस के बीज बोने का एक माध्यम है, ये हमारे ग्रंथों में ये हमें ऐसा बताया गया है, सिखाया गया है कि हम अपनी आत्मा की प्रगति के लिए 10वां हिस्सा प्रकृति को अवश्य वापस लौटाएं। क्यों? क्योंकि इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है। इन 5 तत्वों में जो भी हम इस धरती पर आकर ग्रहण कर रहे हैं वो 5 तत्वों से बना है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, और इन 5 तत्वों के माध्यम से ही हमारा जीवन चल रहा है। और अगर हम प्रकृति को कुछ वापस नहीं लौटाते हैं तो ये हमारी भूल है। तो हमें ये जो थंब रूल बताया गया है कि 10वां हिस्सा वापस लौटाना ही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ये कुल मिला के 10 हो गई। जब से आत्मा ने धरती पर आना शुरू किया है, जीवन जीना शुरू किया है, ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो हमेशा हमारे साथ ही हैं। और इन ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का अगर हम आज की भाषा में देखें तो एक एक मैनेजर है, एक एक दूत है इनका, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारी मदद करता है। अब ये कुल मिला के 10 हो गए, और हम जो भी इस धरती पर आकर लेते हैं, कमाते हैं, जो भी हमें सुविधा मिलती है, हम अगर उसका 10वां हिस्सा प्रकृति को वापस लौटाते हैं, तो ये जो दूत हैं, ये जो प्रकृति के दूत हैं, जिनसे हमारा ये जीवन चलता है, जिनसे हमारा ये शरीर चलता है, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जब ये देखते हैं कि हम ले रहे हैं प्रकृति से, हम दे भी रहे हैं प्रकृति को वापस, तो ये प्रसन्न रहते हैं। और जब ये देवदूत प्रसन्न रहते हैं प्रकृति के, तो हमारे जीवन में प्रचुरता के, धन धान्य के, स्वास्थ्य आने के सारे रास्ते खोल देते हैं। और अगर हम ये वापस नहीं देते तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आत्मा धरती पर जन्म लेकर आई है उससे ये सिद्धांत सीखना ही है। और इस सिद्धांत को सिखाने के लिए हमें बार बार नोटिफिकेशन दिया जाता है कि हम कहीं गलत जा रहे हैं। अगर हम 10वां हिस्सा प्रकृति को वापस लौटाते हैं, हम देखते हैं, हम सूंघते हैं, हम सुनते हैं, हम स्पर्श करते हैं, हम जीभा से स्वाद लेते हैं, ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे जो प्रजनन तंत्र है, हमारे जो शरीर से वेस्ट को, व्यर्थ चीजों को बाहर निकालने के हमारे जो ऑर्गन है, और हमारी जो जीभ है, ये ज्ञान इंद्री भी है, कर्म इंद्री भी है। तो ये जो 10 हमारे जो ऑर्गन है, ये जो 10 हमारी इंद्रियां हैं, इनके जो मैनेजर हैं, इनके जो दूत हैं, जो हमारी प्रकृति को चलाते हैं। अब हम खाना खाते हैं, हमारी प्रकृति अपने आप काम करती है। हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, बड़े से जवान हो जाते हैं, जवान से बूढ़े हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति अपना काम अपने आप कर रही है। और जब हम प्रकृति को वापस लौटाते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य आने के सारे द्वार खुल जाते हैं। और अगर हम जो प्रकृति का है
उससे दबा लेते हैं, उसे वापस नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। तो ये जो थंब रूल है, हम इसका पालन करें और दसवां हिस्सा अपनी आमदनी का वापिस प्रकृति को लौटाएं। और जब हम धरती में एक बीज डालते हैं, बीज हम एक डालते हैं लेकिन वो बीज अनंत बीजों को जन्म देता है। अगर हम प्रकृति को एक वापिस लौटाते हैं तो अनंत अनंत रूप में प्रकृति हमें वापिस लौटाती है। हमें इसलिए नहीं देना है कि प्रकृति हमें वापिस लौटाए, ये जो देना है, ये जो जुनून से, प्रेम से, करुणा से देना है, ये हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। तो जैसे जैसे हम इन चीजों का अभ्यास करते हैं तो ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव बन जाता है। और हम देकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे कि हम दे रहे हैं, किसी पर एहसान कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और ये सभी ग्रंथों में कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इसका अभिप्राय क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ में मेरी एक उंगली में चोट लग जाती है, उससे खून बहना शुरू हो जाता है, तो मैं किसी की और नहीं देखती हूँ, मैं तुरंत उठकर उसकी पट्टी करती हूँ। जो भी मुझे उस समय करना चाहिए खून को रोकने के लिए, मैं अपने हाथ की पट्टी करती हूँ और वो खून रुक जाता है और दो चार दिन में वो उंगली ठीक हो जाती है। क्या मैं उस उंगली को बार बार ये याद कराती हूँ कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर कितना एहसान किया है, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना समय लगाया है, देखो मैंने तुम्हारे ऊपर धन कितना खर्च किया है, मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हारे ऊपर? नहीं, हमें याद भी नहीं आता है कि इस उंगली के लिए हमने क्या किया है। हमारा स्वभाव है, हम फटाफट से वो काम करते हैं और फिर याद भी नहीं करते हैं। ये तो हमारा भौतिक शरीर है, ये जिससे सूक्ष्म ब्रह्मांड कहा जाता है। और इसी तरह से हम एक बड़े ब्रह्मांड में का हिस्सा है। इस तरह से मेरे शरीर में कहीं चोट लग जाती है, मैं उसे ठीक करने का प्रयास करती हूँ और उसके लिए मुझे कोई एहसान नहीं है कि मैं अपने हाथ के लिए, अपने पाँव के लिए कुछ कर रही हूँ, वो मुझे करना ही है क्योंकि ये मेरा शरीर है, मुझे इसकी देखभाल करनी है। इसी तरह से ये जो ब्रह्मांड है, ये जो बड़ा ब्रह्मांड है, हम इसका एक हिस्सा है, हम इसका एक अणु है, हम इस बड़े ब्रह्मांड की एक उंगली है। और कहीं भी अगर हम कुछ करते हैं, हमारे माध्यम से जब कुछ होता है, तो हम कोई किसी पर एहसान नहीं करते हैं क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं। अगर हम ये देखें कि हमारे प्लेट में जो भोजन आता है, क्या हम खुद उस भोजन को अपने प्लेट तक ला सकते हैं? अगर हमें उस भोजन को खुद अपनी प्लेट तक लेकर आना है तो हमें गेहूं उगाना होगा, दालें उगानी होगी, मसाले उगाने होंगे, सब्जियां उगानी होगी, दिन रात मेहनत करनी होगी, तब जाके कहीं 6 महीने बाद हम कुछ खाना खा पाएंगे। लेकिन हम इस ब्रह्मांड में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो जुड़ा हुआ है समाज से, समाज से अलग नहीं है। और मनुष्य की एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो जब समाज से ले रहा है तो उसे वापिस भी लौटाना है। और लौटाने का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ एहसान कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी लेना, ये आत्मा धरती पर सीखने ही आती है। और अगर आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा होगा तो आप देखो कि अगर आप उसे कुछ देते हो तो वो तुरंत आपको बदले में कुछ वापिस कर देता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि मैंने जो पाया है मुझे उसके वापस उसे लौटाना है। अगर बच्चा स्कूल में जाता है और ए पढ़कर आता है, घर आकर वो सारे घर के सदस्यों को, माता पिता को बिठा लेता है कि देखो देखो मैं ए पढ़ के आया हूँ, इसको आपको आता है बनाना, इसे ऐसे लिखते हैं, क्योंकि आत्मा की ये अंदर प्राकृतिक स्वभाव है बांटना। जो उसने जाना है, जो उसने सीखा है, जो उसने पाया है, उसे बांटना आत्मा का प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन जब हम समाज में, हमारा मन बनता है, तो मन के अधीन हो जाते हैं, आत्मा को दबा लेते हैं, तो फिर हम बांटना भूल जाते हैं और हम जोड़ना शुरू करते हैं। एक हमारा लॉजिकल माइंड है जो ये कहता है कि मैं दे रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक और एक दो होता है, ये हमारा लॉजिकल माइंड हमें बता रहा है कि मैं दे रहा हूं तो इसके बदले में क्या मिलेगा। और यही हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके करते हैं कि भगवान मेरा बेटा पास हो गया तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे बेटे की शादी हो गई तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम एक बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, वो देना नहीं है।
हम एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। और ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जो साधक हैं वो तीन तरह के साधक हैं। एक वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, और जब उनकी ट्रांजेक्शन पूरी नहीं होती है, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो वो कोई दूसरा भगवान, कोई दूसरा गुरु ढूंढ लेते हैं, वहां पर नहीं रुकते, आगे चले जाते हैं। और दूसरी तरह के वो साधक होते हैं जो कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, दुख तो आना ही नहीं चाहिए, ये हमारा अधिकार है। वो गुरु के ऊपर अधिकार जमाना शुरू करते हैं कि मेरे जीवन में तो आना ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं तो इतना कर रहा हूँ, मैं तो इतनी सेवा कर रहा हूँ। तो वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप के हिसाब से चलते हैं। और तीसरी तरह के साधक ये होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, उनकी मनोस्थिति ऐसी होती है कि जो भी गुरु कर रहा है मुझे स्वीकार है, वो कुछ भी बदलना नहीं चाहते अपने जीवन में, जो भी हो रहा है, सुख आ रहा है वो स्वीकार है, दुख आ रहा है वो स्वीकार है, क्योंकि आत्मा वो जान जाते हैं कि मैं ये सीखने आया हूँ। और हर अनुभव से आत्मा सीखती है, तो वो अपने दिमाग से, हेड से, अपने ब्रेन से नहीं चलते हैं, वो अपने हृदय से चलते हैं, वो अपने दिल से चलते हैं, अपनी इंट्यूशन से चलते हैं। और वो इस इंटरकनेक्टेडनेस को, कि हम सब इस ऊर्जा तंत्र में जुड़े हुए हैं, उस चीज को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, और उस हिसाब से जीवन जीते हैं, उसको कहते हैं हार्ट मैप, जहां एक और एक दो नहीं होते, एक और एक एक ही होते हैं। जिस तरह मैंने अपनी उंगली पे पट्टी की है, क्योंकि ये मेरे शरीर का हिस्सा है, मैं एक हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मेरी उंगली अलग नहीं है, मैं एक हूँ, इसी तरह से ब्रह्मांड में मैं एक हिस्सा हूँ, और मैं जो भी करता हूँ, जो भी इस ब्रह्मांड को देता हूँ, वो अपने आप एक, मैं स्वयं की ही सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सब में स्वयं को देख रहा हूँ। जिस तरह ये उंगली मेरे शरीर का हिस्सा है, उसी तरह मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, और मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ। जब हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो हम वो जो अकर्ता भाव है, वो तब हमें वो अकर्ता भाव आ जाता है कि हम सब एक हैं। और जब उस स्थिति में हम जो सेवा करते हैं, वो सही मायने में अकर्ता भाव की सेवा है। और ब्रेड ऑफ लाइफ एक बुक है, स्माइली जिनके ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है, इफ यू वॉन्ट टू सर्व अ सफरिंग वर्ल्ड, यू विल क्रिएट मोर सफरिंग इन द वर्ल्ड। और ये ओशो ने भी एक डिस्कोर्स में कहा है कि हमारी मनोस्थिति क्या हो गई है कि जब कोई दुखी होगा, जब किसी को जरूरत होगी, तब हम उसकी सेवा करेंगे। तो ये मनोस्थिति ही गलत है, क्योंकि हम चाह रहे हैं दूसरा व्यक्ति दुखी होगा तब उसकी सेवा करेंगे, तो हमारा ध्यान दुख पर लगा हुआ है। और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ये कहता है, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी ऊर्जा चली जाती है। तो इसमें हमारा ध्यान दुख पर लगा है, हम किसी गरीब की अगर सेवा कर रहे हैं, हमारा ध्यान उसकी मजबूरी पर लगा है, उसके दुख पर लगा है, उसकी गरीबी पर लगा है, हम उसमें स्वयं को नहीं देख रहे, हम उसमें उस आत्मा को नहीं देख रहे, उस चेतन सत्ता को नहीं देख रहे, हमारा ध्यान गरीबी दुख पर लगा है, तो हमारे जीवन में हम उन चीजों को आकर्षित कर लेते हैं। तो अगर हम देखने में हमें वो व्यक्ति सुखी लग सकता है कि वो बहुत सुखी है, उसे मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम गहराई से देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो दिखने में हमें लग रहा है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर हम खोज करें, हम शॉर्टकट ना ढूंढे कि फटाफट गए और जाकर मत्था टेक दिया और गुरुद्वारे में, मंदिर में दान लाखों का कर दिया, वो भी ठीक है, करना चाहिए, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक सेवा करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा जागरूकता के साथ सेवा करना होगा। यहाँ पर मैं बुद्धा के पास एक व्यक्ति गया और उसने बोला, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि तुमने अपने हाथों से कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है। तो उसने कहा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं तो खुद रोटी के लिए मोहताज हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, तुम मुस्कुराहट दे सकते हो, तुम अच्छे शब्द, करुणा में शब्द दे सकते हो, तुम किसी की हाथों से श्रम दान करके मदद कर सकते हो, तुम्हें प्रकृति ने इतना सुंदर शरीर दिया है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने के लिए, तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना है, और जैसे तुम देना शुरू करोगे, तुम्हारा दुख अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये देते समय ध्यान रखना है कि हम किसी की मजबूरी देख कर दे रहे हैं, किसी को दुखी देख कर दे रहे हैं,
क्या हम उस भाव से दे रहे हैं कि सब में वही चेतन सत्ता है, सब में परमात्मा है, मैं स्वयं की ही सेवा कर रहा हूँ, कोई मुझसे अलग नहीं है। तो ये जो दिल का जो गणित है वो कहता है एक और एक एक ही होता है। गिविंग हमारी बेसिक नेचर होनी चाहिए और ये हमें मुक्त करती है, स्वतंत्र करती है। देना हमें स्वतंत्र करता है। हम प्रकृति से सब कुछ ले रहे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। आज ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं क्योंकि हमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है। और आज जो हमने प्रकृति को वापस दिया है, जो जीव जंतुओं को इतना दुख दिया है, जो प्रकृति को इतना कष्ट दिया है, वो वापस आ गया है। ये हमारे लिए कोई दुख नहीं दिया प्रकृति ने, हमारे लिए वेकअप कॉल है कि आज भी हम जाग जाएं, आज भी हम अपने जो संसाधन है उनकी कदर करना सीखें, तो हम स्वयं को ही मुक्त करेंगे। और जब हम देते हैं तो सबसे पहले हमारा जो चीजों के साथ में लगाव है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, जो हमारी आदत है, सालों साल तक हम वस्त्रों को, चीजों को संभाल के रखते हैं, चाहे हम उनका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे फिर भी हम उन्हें संभाल के रखते हैं कि कभी तो काम आएगा। तो ये जो हमारी चिपकन है, ये जो हमारी जकड़न है, ये जो हमारी पकड़ है, ये हमारी कम होती है जब हम देना शुरू करते हैं। और अगर हम ये चाहें कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, और हम देते कुछ भी नहीं है, तो वो जो हमारी पकड़न है, ये जो हमारी जकड़न है भौतिक वस्तुओं के प्रति, ये हमारी आत्मा को मुक्त होने नहीं देती है। अगर हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो जीवन रहते हमें इस जो हमारी पकड़ है इसे छोड़ना है। तो देने से हमारी अटैचमेंट जो वो कम होती है, हमारा जो इतना प्रभुत्व है सब चीजों पे, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा मेरा मेरा, वो हमारा कम होता है जब हम देना शुरू कर उस भाव से जब हम देते हैं कि हमारे पास जो भी प्रकृति ने दिए है संसाधन, हम उन्हें बांट रहे हैं। बांटना जैसे एक कप है, वो भरा हुआ है, और जब वो कप भरा हुआ है तो ओवरफ्लो हो रहा है। तो जैसे जैसे ध्यान करके ये सब बातें समझकर हमारा कप भर जाता है, हम ओवरफ्लो होना चाहते हैं। जैसे एक पेड़ है, उस पर फल लग गए, वो पक गया है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो फल देना शुरू कर देता है। तो ये जो हमारा जो हम ध्यान कर रहे हैं, आत्मज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो इस मार्ग पर हम चल रहे हैं, उसका फल है सेवा। वो अपने आप हमसे होने लगती है, हम करते नहीं है, हम केवल एक माध्यम बन जाते हैं, और ये हमें स्वतंत्र करता है। हम सब मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि हम शरीर छोड़ेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। कि हमें हर चीज से मुक्ति चाहिए, अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, अपनी जकड़न से मुक्ति चाहिए, हमें अपने मन की नकारात्मक सोच से मुक्ति चाहिए। तो ये मुक्ति का हमें निरंतर हर दिन अभ्यास करना है। हमें दो हाथ दिए हैं, एक लेने के लिए, एक देने के लिए। और अगर हम इस लेने और देने का संतुलन बिगाड़ लेते हैं तो हम अपने जीवन में कष्टों को आकर्षित करते हैं। और जब हम देते हैं तो हमें चेंज को एक्सेप्ट करना आ जाता है, जो कि हमें प्रकृति सिखा रही है कि कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, हर चीज अस्थाई है। हमारा जीवन अस्थाई है, हमारा शरीर अस्थाई है, ये मौसम सब अस्थाई है, हर चीज अस्थाई है। और हमें जब देना शुरू करते हैं तो हम ये जानने लग जाते हैं कि जो आज मेरे पास है वो कल मेरे पास नहीं रहेगा। तो अच्छा यही है कि मैं उसका बेहतर उपयोग करूं और उसको मैं और अच्छा उपयोग करके अच्छे कर्मों की पूंजी इकट्ठी करूं। जैसे हम यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो हम अब सबसे पहले अपनी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर इंडियन करेंसी नहीं चलेगी। इसी तरह से हम ये जानते हैं कि हमने इस धरती को छोड़कर एक दिन जाना ही है, ये तय है। हम इस एग्रीमेंट पर साइन करके आए हैं कि आई एग्री टू डाई, मैं यहाँ से वापस आऊंगा, हमने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। तो हमने जीवन रहते ही अपने जो भी हमें ईश्वर ने दिए है संसाधन, सुख सुविधा दी है, वो हमारी करेंसी है, हम उसे अच्छे कर्मों में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि वो आगे वही करेंसी काम आएगी। आगे हमारी दुनिया की करेंसी, हमारी दौलत, हमारे बंगले, हमारे बच्चे, जो भी हमने यहाँ पे लिया है वो आगे काम नहीं आएंगे। उनसे हमने जो अच्छे कर्म किए हैं वो कर्म आगे हमारे साथ जाएंगे। तो जीवन रहते हम उस करेंसी को कन्वर्ट करना शुरू करें, क्योंकि शेयरिंग इज ग्रोइंग। जितना हम शेयर करते हैं
उतना हम ग्रो करते हैं। अगर आपने पत्री जी का कॉन्सेप्ट सुना होगा तो पत्री जी कहते हैं महात्मा वो होता है जो एक दो रोटी कमाता है, एक रोटी खाता है, एक बांट देता है। मैं ही दो खा लूं, मेरा ही पेट भर जाए, बाकी भूखे रहे, ऐसा नहीं है। महात्मा वो है जो एक दो रोटी कमाता है, एक खाता है, एक बांट देता है। और यही बात हमें गुरुओं ने सिखाई है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, नाम जपो, कीर्त करो, वंड छको, मतलब मेडिटेट करो, ईश्वर का सिमरन करो, हाथ पांव से काम करो। ऐसा नहीं है कि मैं संन्यास लेकर बैठ जाऊं और लोग मेरी मदद करें, नहीं, हाथ पांव से काम करो। और फिर जो कमाया है आपने, चार रोटी कमाई है, उसमें से दो बांट दो, दो खुद खा लो। तो ये हमारे मूलभूत प्रिंसिपल है। इसराइल में एक जॉर्डन रिवर है जो दो समुद्रों में जिसका पानी जाता है, दोनों के पानी को रिसीव करने का एक ही साधन है जॉर्डन रिवर। एक को सी ऑफ गैलिली कहते हैं, एक को डेड सी कहते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने खोज की कि ऐसा क्या है कि डेड सी, मतलब उसमें कोई जीवन नहीं है, उसका पानी बहुत कड़वा है और उसमें कोई जीवन, कोई जलचर नहीं है उसके अंदर में, वो डेड सी, उसका नाम ही डेड सी है कि उसमें कोई जीवन नहीं है। और सी ऑफ गैलिली जो है, उसमें इतने सुंदर, पूरे वर्ल्ड में जो प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं वो भी उसमें पाई जाती हैं। उसमें इतना जीवन है, इतना भरा पूरा वो समुद्र है जो जीव जंतुओं से भरा हुआ है, और अलग अलग प्रजाति के उसमें जीव जंतु पाए जाते हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते। तो इसका कारण जानने की कोशिश की गई कि दोनों में एक ही नदी से पानी जाता है तो दोनों में इतना फर्क क्या है। तो जब देखा गया तो जो सी, डेड सी है, उसका कोई आउटलेट नहीं है, उसका जो पानी वो इनलेट तो है, वो पानी आता तो है, लेकिन वो पानी वही ठहर जाता है, वो पानी कहीं उस समुद्र से बाहर नहीं जाता। लेकिन जो सी ऑफ गैलिली है, उसके पानी का आउटलेट है, वो शेयर करता है, वो पानी कई तरह कई तरफ जाता है, क्योंकि वो पानी वहां ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, इसलिए उस समुद्र में जीवन है। तो शेयरिंग इज ग्रोइंग। जब हम बांटना शुरू करते हैं, जब हमारे माध्यम से ये चीजें होने लग जाती हैं, तो हम नेचर का एक्सटेंडेड काउंटर बन जाते हैं, यानी कि नेचर हमारे थ्रू बांटना शुरू करती है। तो इसीलिए जो भी हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, अगर आपके पास भरपूर मात्रा में कपड़े हैं तो जो कपड़े आपने एक साल से नहीं पहने हैं उनको आप देना शुरू करो, क्योंकि तब भी नए के लिए जगह बनेगी। अगर हम पुराने के साथ ही चिपके रहेंगे तो नए के लिए जगह नहीं बनेगी। और ये बहुत सुंदर आध्यात्मिक प्रिंसिपल है कि आपने एक चीज को उपयोग किया, आपको उससे बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है, आप उस चीज को दूसरे को दे दो तो देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी। ऐसे ही 2008 में एलिजाबेथ डून नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया और लोगों का 630 लोगों का डेटा इकट्ठा किया कि उनकी सालाना आमदनी क्या है, अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं, दूसरों के ऊपर कितना खर्च करते हैं। जब ये पूरा डेटा सभी ने इकट्ठा किया तो उसका जो फाइंडिंग हुआ, जो रिसर्च से ये पता चला कि जो लोग दूसरों के ऊपर सेवा भाव से खर्च करते थे वो लोग ज्यादा सुखी थे। और उन्होंने इस चीज को और आगे लेकर गए और इसके ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने दो ग्रुप बनाए और $5 दिए और कहा कि शाम को 5 बजे तक ये $5 आप अपनी इच्छा से खर्च करके आओ। आधे ग्रुप को कहा कि आप अपने ऊपर खर्च करके आओ, आधे ग्रुप को कहा कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, आपको दूसरों के ऊपर, जिसके ऊपर आपको इच्छा आती है उसके ऊपर खर्च करके आओ। जब शाम को दोनों ग्रुप वापिस आए तो पता, जब फाइंडिंग किए गए, जब उनसे बातचीत करके, रिसर्च करके जब उसका निष्कर्ष निकाला गया, तो ये निष्कर्ष सामने आया कि जिन लोगों ने बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को उपहार दिए थे वो ज्यादा खुश थे। तो उससे जो वैज्ञानिक, जो एलिजाबेथ डून थे, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना धन है, आपकी मनोस्थिति कैसी है, आप उस धन का उपयोग कैसे करते हो वो आपको खुशी देता है। आपकी खुशी धन के ऊपर नहीं, आपके धन के उपयोग के ऊपर निर्भर है। और ये अगर हम जो बात कर रहे हैं कि 1/10 हमें वापस नेचर को देना चाहिए, तो अब ये सवाल आता है कि नेचर को हम कैसे वापस करें। तो इसका भी हमें फॉर्मूला, प्रिंसिपल बताया है हमारे ग्रंथों में कि आप ये जो 1/10 है, जो आपका नहीं है,
जो प्रकृति का है इसे आप वहां खर्च करो जहां से आपकी आत्मा को ज्ञान और प्रकाश मिलता है। अगर आप किसी गरीब की किसी दुखी की मदद करना चाहते हो तो वो 1/10 में से आप ना करके अपनी दूसरी आय में से करो, लेकिन ये जो 1/10 है ये आपको वहां खर्च करना है, आध्यात्मिक कार्य में खर्च करना है जहां से आपकी आत्मा को ज्ञान और प्रकाश मिल रहा है। क्योंकि जिस दिए से हमारी आत्मा रोशन हो रही है, जिस दिए के प्रकाश से हमें ज्ञान मिल रहा है, हमने उस दिए में तेल डालना है ताकि उससे दूसरों को भी प्रकाश मिले, वो दिया जलता ही रहे। तो ये हमने खुद अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, मेरी आत्मा को ज्ञान और प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, और जहां से आपकी आत्मा को ज्ञान और प्रकाश मिल रहा है उस दिए में आपको ये तेल डालना है, वहां पर आपको अपनी जो 1/10 इनकम है उसको लगाना है, और ये पासवर्ड है हमारी हेल्थ का। अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, अभी इतना समय नहीं है, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं वो ऐसा करते हैं कि वो 10% अपनी नीड के लिए रख लेते हैं और 90% जो है वो लोक कल्याण के कार्य में लगा देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो हमें मिनिमम जो ग्रंथों में कहा गया है 1/10 वो प्रकृति के लिए खर्च करें, यानी आध्यात्मिक कार्य के लिए खर्च करें, ऐसी जगह पर खर्च करें जो कई गुना बढ़कर हम अपने आप प्रकृति में चला जाएगा, हमें फिर उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे वापिस आएगा, कब वापिस आएगा, क्योंकि हम अकर्ता भाव में कर रहे हैं, हम इस ब्रह्मांड की एक इकाई है और हम स्वयं की ही सेवा कर रहे हैं। ये होलिस्टिक हेल्थ का पासवर्ड है। आज अगर हम आज से ही ये शुरू कर दें, और बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया, सोचा, ऐसा नहीं है कि आप अभी से जाकर आप दान कर दो, आप सोचो, एक आप बॉक्स बना लो और उसमें 1/10 आप निकाल के रखना शुरू कर दो, और आप देखोगे केवल आपकी सोच से, आपके रखने से ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लग गया। ये नियम इतना कारगर है, ऐसे काम करता है। और जब आपकी आत्मा, आपकी इंट्यूशन आपको बताए कि मुझे इसे कहाँ खर्च करना है, तब आप इसको खर्च करो, लेकिन आप इसको रखना शुरू करो। और जैसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, लेडीज के प्रश्न होते हैं, मैं तो कमाती नहीं हूँ, मैं कैसे रखूंगी। ये हमारी मनोस्थिति है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत साधन है, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी साधन नहीं है। और सबसे बड़ा जो हाईएस्ट सर्विस है वो दूसरों को ध्यान सिखाना, दिस इज द हाईएस्ट सर्विस। इसीलिए पत्री सर कहते हैं, आज आपने ए सीखा, ध्यान सीख लिया, टेक्नोलॉजी पता चल गई, जाओ दूसरों को सिखाओ। और जैसे मैंने बताया, भगवान बुद्ध ने कहा कि सिर्फ यही नहीं है कि धन ही देना, जो भी हमारे पास है हम दे सकते हैं, देना हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम अच्छे शब्द बोल सकते हैं, मुस्कुराहट दे सकते हैं, किसी को एप्रिसिएशन दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, ज्ञान दान कर सकते हैं, और ग्रंथों में ध्यान और ज्ञान दान का तो बहुत ही महत्व कहा गया है। जैसे अन्न दान का महत्व कहा गया है, अन्न दान महाकल्याण, इसी तरह से ज्ञान और ध्यान दान को अति उत्तम कहा गया है। हम अपना समय दान कर सकते हैं, अगर मेरे पास समय है तो मैं आध्यात्मिक कार्य में श्रम दान करके, समय दान करके समय का सहयोग कर सकती हूँ। धन से तो हमें सहयोग करना ही है। और मैं यहाँ पर एक बहुत एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताकर सेशन को क्लोज करती हूँ। गिव बैक टू नेचर, जैसे आपने सुना कि मैं भी कह रही हूँ नेचर को वापस देना, तो नेचर को वापस कैसे देना? एक तो हो गया कि हमने आध्यात्मिक कार्य में खर्च करना है, ये तो हो गया, धन से हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी भोग रहे हैं इस सृष्टि में आके, वो हम कैसे नेचर को वापस करें? तो मैं पत्री सर के साथ 2013 में बाबा केव्स गई थी, बहुत लोग जानते हैं महाकर बाबा जी के, रानी खेत के आगे जाकर बाबा केव्स हैं, जहां पर महाकर बाबा जी ने तपस्या की थी। तो पत्री सर के साथ में 2013 में बाबा केव्स हम 250-300 लोग गए थे। जब हम ऊपर चढ़ गए, 3-4 किलोमीटर ट्रैकिंग करके हम चले गए, केव्स चले गए, वहां पर पत्री जी ने सबको ध्यान कराया। और जब 1-1.5 घंटे बाद हम वापिस उतर रहे थे, तो उतरने के टाइम पे मैं पत्री सर के साथ थी, और जब उतरने लगे वापस, तो पत्री जी ने क्या किया कि कहीं से उनको एक बहुत बड़ा लिफाफा नजर आ गया प्लास्टिक का, वो उन्होंने उठा लिया, और उसके साथ में एक पेड़ की लंबी टहनी हाथ में पकड़ ली, लकड़ी जिसे कहा जा सकता है, एक पेड़ का टूटा हुआ टहनी थी, उसे अपने हाथ में पकड़ लिया, और जब उतरना शुरू किया उस पहाड़ी से, तो आसपास जितने भी टॉफी के पैकेट थे, लेज के पैकेट थे, फ्रूटी के पैकेट थे,
पेप्सी के जो छोटे छोटे बॉटल्स लोगों ने खाकर फेंके थे, वहां पर पीकर फेंके थे, वो सारे जहां तक पत्री जी का हाथ जाता था, चाहे वो पहाड़ी से 2 कदम नीचे उतरते थे और उस डंडी से उसको खींच लेते थे, और धीरे धीरे उन्होंने वो सारा कचरा लिफाफे में डालना शुरू कर दिया। और पत्री जी को देखकर जो और 10-12 मास्टर उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने भी वो आसपास के सारे एरिया से उतरते उतरते पूरा जो भी उन्हें नजर आया वो सब प्लास्टिक उन्होंने उस लिफाफे में डालना शुरू कर दिया। और जब तक हम नीचे आए तब तक हमारे पास 3-4 बड़े बड़े लिफाफे भर चुके थे, और कुछ लोगों ने सारा कचरा इकट्ठा करके वहां जो नीचे एक केयर टेकर था उसको कहा कि जहां पर आप अपना कचरा फेंकते हो वहां पर इसे फेंक दें। तो मेरे अंदर बहुत ही ये चीज चल रही थी कि पत्री जी ऐसा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, पत्री जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं। मेरे अंदर ये बहुत ही मंथन चल रहा था। और जब मैं पत्री जी के साथ नीचे पहुंची तो पत्री जी ने मुझे देखते ही कहा कि जस्सी मैडम कैसा लग रहा है आपको, कैसा रहा ये। तो मैं पत्री जी को बोला कि सर आपने आज जो मुझे सिखाया है, हम सबको सिखाया है, और अगर हमने आज सीख लिया है तो हम कभी भी ये भूल नहीं सकते कि हमने प्रकृति के से कैसे प्रेम करना है, प्रकृति का कैसे आदर सत्कार करना है, और प्रकृति में जब हम जाते हैं तो हमें कैसे प्रकृति में रहना चाहिए। आज आपने जो सबक सिखाया है ये मैं कभी जिंदगी में अब भूल नहीं सकती हूँ, और तब से मैंने ये नियम बनाया कि कहीं भी जाते हैं तो हम जो भी हम खाते हैं उसे एक लिफाफे में इकट्ठा कर लेते हैं, और जहाँ कहीं डस्टबिन होता है वहां डालते हैं। तो किस तरह से हम प्रकृति को वापस कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं हम प्रकृति को कैसे वापस कर सकते हैं। और जब हम पत्री जी के साथ, जिसे मुझे बहुत मौका मिलता है नॉर्थ इंडिया में ट्रेवल करने का, तो बहुत ठंड का मौसम था लास्ट ईयर जब हम पत्री जी के साथ ट्रेवल करे थे, और सभी मुझे कह रहे थे जैसे मैडम जनवरी में आपने पंजाब का प्रोग्राम क्यों बनाया, आपको पता इतनी ठंड होती है, क्यों पत्री जी का आपने प्रोग्राम बनाया। तो जब पत्री जी आए तो हमने देखा कि इतनी ठंड थी, और जो 4 दिन पत्री जी नॉर्थ में पंजाब में घूमे तो मौसम बहुत ही अच्छा था। तो मैंने पत्री जी से पूछा सर ये कैसे हो जाता है, आपके आते ही चीजें कैसे बदल जाती हैं। सर ने कहा ये प्रकृति मेरी मदद करती है। तब मुझे समझ में आया कि प्रकृति के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही प्रकृति हमें वापस लौटाती है। तो दोस्तों हमें हर तरह से बांटना सीखना है, प्रकृति की कदर करना सीखना है, हमें ईगो फ्रेंडली नहीं इको फ्रेंडली बनना है। हम अपने वनस्पति जगत की कदर करें, हम पशु जगत की कदर करें, और जहां पर हम ये करना शुरू करते हैं ध्यान से, जब हम एनलाइटेंड होने की तरफ चलते हैं, जब हमारी जागरूकता बढ़ती है तो ये चीजें होने लग जाती हैं। तब हमें पहले हम अभ्यास करते हैं इन चीजों को करने का, और जैसे जैसे हम अभ्यास में निपुण हो जाते हैं तो हमारे माध्यम से सेवा का कार्य प्रकृति करने लग जाती है। तो हमें वो प्रकृति का एक काउंटर बनना है कि प्रकृति हमारे माध्यम से कार्य करे। और आज आप देख रहे हो कि पत्री जी का ये विजन है सैटेलाइट चैनल बने, और जो हमारी मैगजीन्स हैं ये घर घर तक ये एनर्जी पहुंचे, ध्यान घर घर तक पहुंचे, हर भाषा में चैनल हो, और पीएमसी हिंदी एक सैटेलाइट चैनल बने, जिस तरह से आप घर बैठे बैठे पीएमसी हिंदी के माध्यम से जुड़कर ध्यान से जुड़ गए हो, दुनिया में हर व्यक्ति इस पीएमसी चैनल के माध्यम से ध्यान से जुड़े, घर घर तक ध्यान पहुंचे, और हम सब मिलकर आइए इस धरती को स्वर्ग बनाए। जो भी संसाधन हमारे पास है हम सेवा का नियम समझकर उसे दूसरों के साथ में बांटें, उन संसाधनों को और अपनी इस करंसी को जो भी नेचर ने हमें दी है, इसे जीवन रहते, समय रहते, सांसें रहते, इसे गुड कर्मा में कन्वर्ट करें, प्रकृति को वापस लौटाते रहें, तो प्रकृति स्वयं हमारी देखभाल करेगी और हम प्रकृति का एक माध्यम बन जाएंगे बांटने का। तो आइए मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाए, और हम एक सभ्य नागरिक, सृष्टि के सभ्य नागरिक बनकर अपना कर्तव्य, अपनी भूमिका निभाएं और यहां से वापस जाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।